गुना के बमोरी विधानसभा के सैकड़ों भील समुदाय के लोगों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट से ग्वाल टोरिया बांध की परमिशन निरस्त करने को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। भील समुदाय के लोगों का कहना है कि गुना के बमोरी विधानसभा में यदि ग्वाल टोली या बांध सिंचाई परियोजना बनती है तो इस विधानसभा क्षेत्र के कई आदिवासी समाज के गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि शासन प्रशासन बबोरी विधानसभा के ग्वाल टोरिया नामक गांव पर ग्वाल टोरिया बांध सिंचाई परियोजना बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां के स्थानीय निवासी आदिवासी समुदाय के लोग इस परियोजना के खिलाफ हैं। इस परियोजना के मूर्त रूप आने से हजारों हेक्टेयर जमीन आदिवासी समुदाय की छीन ली गई है और वह पूर्णता से जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इस दौरान लगभग 250 आदिवासी समुदाय के सक्रिय कार्यकर्ता एकत्रित हुए। क्या परेशानी है? तालाब नहीं बनने दिया। कहाँ पे बन रहा है तालाब? तालाब बनना नहीं, बमोरी क्षेत्र में बनना। क्या चाहते हैं अब आप शासन प्रशासन? तालाब नहीं चाहते आप? हमसे बात बात करते, हमसे बातचीत करते, हमसे राय लेते, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जहाँ अनुसूचित क्षेत्र होता है वहाँ ग्राम सभा के नियम कानून मान्य होते हैं और हमें पहले अवगत कराना चाहिए था, हमसे राय लेना चाहिए था, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। बस इस तरीके का कोई, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तानाशाही है और आदिवासी शांत नहीं बैठेगा, आगे आंदोलन करता है। ग्वाल टोरिया तालाब के संबंध में पंचायत काबरगुमरी और पंचायत देहरा के चार गांव से अधिक जो तालाब बनने से डूबने जा रहे, उसी संबंध में आज हम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं।